तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी क्या हाल है और आप सबकी गेमिंग कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो दोस्तों आज हम आपके लेकर आ चुके हैं आईटील के तरफ से आईटील P14। इसमें आपको क्या कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाले हैं और पबजी BGMI टेस्ट करने पर हमें कितनी परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों यह एक मीडियम और बजट रेंज का स्मार्टफोन है, तो कितनी परफॉर्मेंस निकल के आने वाली है सब कुछ इसी वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक जरूर वॉच करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर वीडियो शेयर करिएगा जो भी यह स्मार्टफोन आज की डेट पर लेना चाहता है। तो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को बारे में बात करें, इसमें का एंड्रॉइड V12 का हमें लेटेस्ट उनका सपोर्ट देखने को मिल जाता है हमें इस डिवाइस के अंदर। वहीं इसके परफॉर्मेंस और प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें आपको यूनिसोक की ओर से SC9863A वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस हमें 1.1 GHz देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आपको 2 GB RAM और 32 GB तक स्टोरेज देखने को मिलती है और 3 GB RAM और 64 GB वाला भी वेरियंट हमें देखने को मिल जाता है। वही बात करें इसके डिस्प्ले की, इसमें आपको 6.6 इंच की IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। इसमें आपको कोई भी रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता। इसमें आपको विथ बटर ड्रॉप नॉच वाली हमें देखने को मिल जाती है डिस्प्ले, जो काफी अच्छी ब्राइटनेस के साथ आपको प्रोवाइड की जाती है। वहीं इसके बैटरी लाइफ के बारे में बात करें, इसमें आपको 6000 mAh की बड़ी पावर की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो काफी बड़ी बैटरी है। वहीं दोस्तों इसमें आपको 18 W का चार्जर एडाप्टर भी देखने को मिलता है, तो इसमें आपको USB Type-C का भी पोर्ट यहाँ सपोर्ट फुल देखने को मिलता है। और इंडिया के अंदर बात करें, इसमें आपको 4G का फुल सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है। और इसकी प्राइस रेंज के बारे में बात करें तो ये आपको 5999 रुपए के अंदर आपको Amazon के अंदर देखने को मिल जाता है। अच्छा, हमको सिखा दिया। ये है दोस्तों माय इंस्टाग्राम आईडी, जिससे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगी, हमसे पर्सनल बातें कर सकते हैं इसके जरिए। और दोस्तों हमारा ये है टेक चैनल, जिससे आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मन की वीडियो देख सकते हैं यहां, और कमेंट भी कर सकते हैं जिस तरह की वीडियो देख। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गेमिंग आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर प्रेस करें, जो हमारी प्यारी प्यारी न्यू ऑडियंस देख रही है। तो फिलहाल दोस्तों यह एक मीडियम और बजट रेंज का स्मार्टफोन है। इसमें आपको क्या कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को तो साथ ही मिलते हैं और इसमें आपको कितना सपोर्ट देखने को मिलता है PUBG BGMI का ग्राफिक्स पर। तो फिलहाल दोस्तों चले चलते हैं, आपका सब कुछ डाउट इस स्मार्टफोन के अंदर क्लियर कर देते हैं। ये मेड इन इंडिया है दोस्तों स्मार्टफोन, इसमें आपको क्या कितना सपोर्ट देखने को मिलता है ग्राफिक्स का। तो चले चलते सीधे इसके हम ग्राफिक्स की ओर। तो आप देख सकते हैं कंट्रोल पर जो हम सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको कर देना है। इसके बाद चलते सीधे ग्राफिक्स की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लो मीडियम का ही ऑप्शन देखने को मिलता है, स्मूथ प्लस मीडियम का ही। इससे आगे हमारी ग्राफिक्स इनेबल नहीं हो रही है इस डिवाइस के अंदर। इसके साथ दोस्तों एक कारण है क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि दोस्तों यह एक मीडियम और बजट रेंज का स्मार्टफोन है। यह करीब आपको 8000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाता है इंडियन मार्केट में। अमेजोन फ्लिपकार्ट से चाहे तो बुक कर सकते हैं, सभी जगह आपको ये अवेलेबल देखने को मिलता है। चले चलते सीधे आपने गेम प्ले की ओर, एंड तक जरूर वॉच करिएगा ताकि आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ एकदम क्लियर हो सके, कितनी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलने वाली है गेम प्ले के अंदर। Watch out. Team match. Let's go.